गाइस अभी हम नजदीक से चलते हैं, वो पता नहीं कौन सा झूला आया, मेरे को नहीं पता भाई, कोई न्यू झूला लग रहा है वो। अरे वो हथौड़ी झूला नहीं, तो हथौड़ी वाला, हाँ वही वाला झूला है वो, वही वाला है। चलिए दिखाता हूँ इस, चेक दिस आउट करो भाई साहब, ये है मेले का ऐसा एरिया जहाँ पे झूले भाई पूरा मतलब भंडार है झूले का। क्या बात कर रहे बाबा, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग, होप करता हूं आप सभी एकदम मस्त बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी हम लोग निकलने वाले हैं बासी के मेले के लिए, और मेले में गाइस जानते हो जो यहां पे सिद्धार्थ नगर में महोत्सव था ना, वहां से सारे झूले आ चुके हैं भाई। कल रात को मैं गया तो व्लॉग नहीं शूट कर पाया, पर गाइस जानते हो सारे के सारे झूले आ चुके हैं। तो अभी चलिए चलते दिखाता हूं बासी का मेला आपको, लेट्स गो। गाइस बाइक तो पार हो चुकी है अभी, देख सकते हो फिलहाल। तो गाइस फाइनली अभी भी जस्ट हम लोग मेले में आ चुके हैं, और हमारे साथ हैं सत्यम भाई, हेलो गाइस, और वहाँ पे शिवान भाई, हेलो, और भाई ऋतिक भाई ये पीछे खड़े हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम लोग मेले में, और आप लोग देखो भाई साहब मतलब बॉम्बे सम्राट थिएटर जो है बहुत ही तगड़ा लग रहा है भाई साहब, खतरनाक व्यू आ रहा। तो चलिए चलते आज मेले का आप लोग को सीन दिखाते हैं भाई। भाई साहब मैं आप लोग को अभी दिखाने वाला हूँ बॉम्बे सम्राट थिएटर, गाइस देखो कितना खूबसूरत से भाई पेंट हो रहा है, आइए दिखाता हूँ नजदीक से। अब ये देखो भाई कितना अच्छे से भाई, कितने खूबसूरत तरीके से पेंट किया जा रहा है। भैया उद्घाटन कब है मेले का? 10 तारीख को। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो 10 तारीख को उद्घाटन हो भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, ये देखो कितना खूबसूरत भाई महल जैसा इसको सजा दिया गया। और यहाँ पे है टिकट बॉक्स, यहाँ पे टिकट घर देख सकते हो। इसका टिकट प्राइस कितना रहता है ये देखो, यहाँ पे थोड़ा लगा हुआ आप लोग को मैं नजदीक से दिखा सकता हूँ, ये देखो गाइस। अभी चलते हैं गाइस थोड़ा आगे की तरफ, चलिए चलते हैं। तो भाई साहब अभी चल रहे हैं ड्रैगन वाला ट्रेन वाला झूला, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखो गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है भाई साहब, ये देखो यहाँ पे जो ये शेर है ना, इसका भाई चेहरा देखो कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया गाइस। इसमें मेरा फेवरेट तो आप लोग जानते हो कौन सा है, वंदे भारत भी, और ये देखो भाई विलेज, भाई साहब कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस, मेरे को सबसे अच्छा मतलब बहुत 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 अच्छा लगता है विलेज वाला। और ये देखो यहाँ पे टिकट बॉक्स, इसका स्वागत वेलकम लिखा हुआ बुकिंग गाइस, इसका जो टिकट प्राइस रहेगा करीबन 20 रुपये से 50 रुपये के अंदर। तो गाइस आप लोग ये देखो गाइस यहाँ पे पहली बार हम लोग के बासी मेले में जानते हो जा रहा सर्कस लगने। गाइस सर्कस को कुछ 2-3 साल से सर्कस तो आ ही नहीं रहा था, बट इस साल आ गया है, देखो भाई साहब लग रहा अभी कितने अच्छे से। और उधर देखिए गाइस आप लोग कि मतलब जो लोग यहाँ पे आते हैं मेले में रहने के लिए, कमाने के लिए पैसे, वो भाई देखो कितने स्ट्रगल करके रहते हैं, मतलब ये बोलते हैं कैंप वैंप बना कर किस तरह रहते हैं देखो वहाँ पे लोग। इधर देखो गाइस कि मतलब जो उसके बड़े वाले झूले के बुगी से सारे पेंट्स हो रहे हैं कितने अच्छे से भाई साहब, आइए नजदीक से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो गाइस यहाँ पे पेंटिंग्स की जा रही है मेले की, ये जो बड़े वाले झूले हैं उसका बुगी इसका पेंट किया जा रहा है, देखो आप लोग। ये देखो भाई साहब यहाँ पे कुछ लड़के हैं भाई साहब, कितना खतरनाक भाई डेंजरस वाले स्टंट्स कर रहे हैं भाई, ये देखो भाई साहब भाई फिल्म मार लोगे भाई, भाई फिल्म मारो 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 क्या हुआ? अच्छा मतलब टिकट खत्म हो गया क्या, इतना ही टाइम था, चलो आ जाओ भाई जो जो जिनका जिनका हो गया आ जाओ, और दे रहेंगे, चलिए कोई बात नहीं, चलिए नहीं है अभी मेरा बात देखेंगे। अच्छा बॉस आपके, चलिए कोई बात नहीं, चलो भाई स्टैंड दिखाओ। अच्छा आप यहाँ पे गाइस देखो कि मतलब कुछ लड़के हैं जो कि भाई खतरनाक भाई, एक बार और बैक फ्लिप, शंकर ओ भाई साहब खतरनाक, चलिए कोई बात नहीं आप भी आ गए, चलिए चलता हूँ ठीक है। क्या बात है गाइस आप लोग ये देखो भाई, ये है ब्रेक डांस, कैसा लग रहा है भाई नीचे से देखो, इसकी जो पार्ट्स भाई कितने खतरनाक वाले हैं, ये देखो भाई
ये देखो किस तरह लग रहा है। अभी चलते हैं नजदीक से, थोड़ा दिखाते हैं आप लोग को ये सब झूले। गाइस आप लोग चेक दिस आउट करो भाई साहब, ये जो झूला लग रहा है ना यहाँ पे, देखो जो लगे हैं कारीगर किस तरह भाई, कितना रिस्क लेकर इस झूले को कस रहे हैं। देखो कितने रिस्क पर वहाँ पे कुछ भैया जो इस झूले को कस रहे हैं, और इधर पेंट्स वगैरह किया जा रहा है इस झूले का। और ये झूले मतलब कहाँ से आए, कल मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया था, कल वाले वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो जानते होंगे। और गाइस ये देखो भाई साहब, ये है ब्रेक डांस, देखो नीचे वहाँ पे लिखा हो। कल यहाँ पे एक लड़का गिर गया था, मैंने उसको उठाया, अभी यहाँ पे छड़ लगा था उसी में फंस के गिर गया था। और देखो भाई ये ब्रेक डांस, अभी चलते हैं उधर, और वहाँ पे हमारे सत्यम भाई जो अपने फ्रेंड को लेकर आए हैं थोड़ा बिजी हो चुके हैं अभी। गाइस आप लोग ये देखो गाइस, ये है पुलिस बूथ। यहाँ पे जैसे कि आप लोग के अगर पेरेंट्स साथ में आ रहे हैं, कोई बच्चे बच्चे आ रहे हैं पेरेंट्स के साथ, अगर वो खो जाते हैं ना तो यहाँ पे आप लोग अनाउंसमेंट करा सकते हो उन लोगों का। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे मतलब लिखा है कंट्रोल रूम माघ मेला एवं प्रदर्शनी बासी सिद्धार्थ नगर। और गाइस अगर आप लोग मेले में आ रहे हो, यहाँ पे अगर आप लोग को कुछ खाना होना हो तो आप लोग यहाँ पर रुक के खा सकते हो खाजा और मीठा उठा में, मतलब मटर समोसा वगैरह। यहाँ पे फास्ट फूड वाले जितने भी जंक फूड होते हैं यहाँ पे सब मिलते हैं। और हम लोग अभी निकल चुके हैं बीच वाले लोकेशन पर मेले में। ये देखो भाई साहब, इधर लगेंगे दुकानें वगैरह। ये देखो भाई, और ये है माता प्रसाद पांडे का, वो है यहाँ पे मूर्ति बना हुआ है स्टैचू एक। यहाँ पे जितने आप लोगों को बर्गर चाउमीन्स आइसक्रीम्स वगैरह खाने हैं, टिक्की उक्की सब यहाँ पे मिलेगा। ये देखो गाइस आप लोग, ये देखो भाई साहब, यहाँ पे मिलता है पहलवान खाजा। गाइस खतरनाक वाला खाजा होता है पहलवान, है कि नहीं शिवांश भाई? पहलवान खाजा। चेक दिस आउट करो भाई साहब, ये है मेले का ऐसा एरिया जहाँ पे झूले भाई पूरा मतलब भंडार है झूले का, वो देख सकते हो मूविंग डांस भाई साहब किस तरह यहाँ पे मतलब झूला वगैरह लग रहा है। ये ड्रैगन वाला ट्रेन वाला झूला करो, देखो भाई साहब इसका जो अभी थोड़ा बहुत हिल रहा किस तरह से लग रहा है। ये देखो अभी मैं आप लोग को चलता हूँ थोड़ा मौत का कुआं जो उसको नजदीक से चेकआउट कराता हूँ, चलिए चलते हैं आगे। ये देखो भाई, ये है ब्रेक डांस। गाइस इसमें आप अगर देखो मेले में आ रहे हो, जितने जंक फूड खा रहे हो जैसे बर्गर चाउमीन जितने भी खा रहे हो भाई, इस झूले पे बस आप लोग को बैठना, उसके बाद जितना खा रहे हो ना सब निकल जाएगा 100%, क्योंकि ये इतना खतरनाक वाला भाई झटका देता है कि मतलब कुछ कहना ही नहीं है। और गाइस जो अभी आप लोग सीन देख रहे हो ना, ये है 2023 का बासी का ही मेला, यही वो लोकेशन है जो जिसकी मैं अभी तक बात ही कर रहा था। देखो कितनी खतरनाक वाली भीड़ें होती हैं, उसके डेमो के लिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये व्यू देखो आप सभी लोग, ये देखो गाइस नज़दीक से मैं थोड़ा आप लोग को झूला चेकआउट कराता हूँ अभी। ये देखो ये है बड़ा वाले झूले का, जो है बड़ा वाला उसका बोगी देखो कितना मतलब कितना औसम है भाई साहब। ये देखो बहुत ही अच्छा मेरे को ये झूला लगता है, और बहुत ही खतरनाक वाला भी होता है, क्योंकि इसमें जब बैठ जाते हैं ना लोग तो भाई इतना मतलब जब नीचे आता है ना तो अंदर से जो फील होती है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। और ये देखो यहाँ पे ब्रेक डांस भी लग रहा है, एक यहाँ पे मेरा भाई भी आ गया मतलब मेरा फ्रेंड। हेलो भाई कैसे हो? बढ़िया। और गाइस आप लोग देखो हम लोग कितने खतरे से मतलब उस साइड जा रहे हैं, थोड़ा मौत कुएं को नज़दीक से दिखाने। गाइस ये देखो, ये है मौत का कुआं भाई, इसमें दिखाया जाता है मौत का खेल। गाइस इससे थोड़ा नज़दीक में नहीं जाऊंगा, अभी यहीं से दिखाऊंगा। और अभी देखो भाई वहां पे जो है ना, इसका टिकट कितना होता भाई? मैं वो सब चलते 20 होगा, 20 होगा। तो गाइस इसका होता है टिकट प्राइस 20 रुपये, और इसमें चलाई जाती है गाइस मारुति सुजुकी की एक कार है ना, और दो दो बाइक साथ में इसके अंदर चलाई जाती है। और गाइस जो आप लोग ये वाला लोकेशन देख रहे हो ना, यहाँ का मेरे पास 2023 का क्लिप है, वो देखो। और भाई साहब ये देखो गाइस, अभी हम लोग जिस तरफ चल रहे हैं यहाँ पे विलेज वालों का एरिया ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी वाले सामान देखो ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि ये मचिया हो गया भाई। देखो यहाँ पे अभी सारे लकड़ी वाले पार्ट्स उतर रहे हैं बिकने वाले मेले में, मतलब लोग जो होते हैं यहाँ पे मेले में आते हैं सामान अपना लेकर बेचते हैं, उसके बाद यहाँ से एक महीने बाद चले जाते हैं। और गाइस इधर देखो भाई साहब, मतलब सारे के सारे नए नए झूले अब आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ कपिल वस्तु महोत्सव जो था सिद्धार्थ नगर महोत्सव, वहाँ पे वो सारा अब एंड हो चुका है, तो वहाँ वाले सारे झूले इधर आ रहे हैं। देख सकते हो भाई साहब अभी क्रेन की मदद से देखो किस तरह इस झूले को लगाया जा रहा है भाई। गाइस अभी हम नजदीक से चलते हैं, वो पता नहीं कौन सा झूला आया, मेरे को नहीं पता भाई, कोई न्यू झूला लग रहा है। अरे वो हथौड़ी झूला नहीं, तो हथौड़ी वाला, हाँ वही वाला झूला है, वो वही वाला है। चलिए दिखाता हूँ, ये देखो भाई ड्रैगन वाला ट्रेन वाला झूला कितना सारा आ रहा भाई, झूले की तो भरमार है पूरे मेले में। ये देखो ये शायद हथौड़ी वाला झूला लग रहा है शायद, हाँ गाइस हथौड़ी वाला ही झूला है।
भाई साहब इसकी जो मशीने है भाई देखो कितनी खतरनाक वाली दिख रही है भाई। ये देखो गाइस यहाँ पे स्लैमो वाला झूला आ गया है और अभी इधर देखो किस तरह लोग मतलब मेले में रहते हैं। ये देखो ये कैंप बना के छोटा सा है भाई पर रह रहा है यहाँ पर भाई। और ये देखो गाइस यहाँ पे भी झूला लगेगा अभी और इधर देखो सारे झूले के पार्ट्स रखे हुए हैं अभी मतलब झूले यहाँ पे लगते ही जा रहे हैं। और उधर भी कोई झूला आया है भाई क्लॉक झूला ये क्लॉक टावर वो जानते कौन सा झूला भाई वो ये जो ये इसमें कार वाला नहीं है ये क्लॉक टावर है जो ऐसे गोल गोल ऊपर लेके जाता अच्छा, था अच्छा, हाँ, हाँ, ये वही वाला देखो उसके पार्ट्स मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा वही वाला है। और ये देखो गाइस नाव वाला झूला कैसे लगाया जा रहा भाई ये देखो वहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं उस पर जो कि इस मतलब इस नाव को अच्छे से कर रहे हैं भी सजावट इस पे लाइटिंग वगैरह की जा रही है। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं घर पे इस ब्लॉग को करेंगे घर पर रेंट तो चलिए चलते हैं अभी। तो भाई साहब अभी हम लोग घर पे आ चुके थे और उसके बाद मैं सोचा कि आइए मैं आप लोग को अपने यहाँ का एक एरिया बहुत ही खूबसूरत इसको बोलते हैं मिसरे स्टेट और हमारे साथ है छोटू हाय बोल दूंगा हेलो हेलो ये क्या था चलिए कोई बात नहीं ये नर्वस हो रहा था कैमरे के सामने चलिए अंदर चलते दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो गाइस ये है हमारे यहाँ का मिसरे स्टेट महल भाई साहब देखो कितना खूबसूरत महल है ये। और गाइस इस महल की बात करूँ तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे हमारे छोटू ये बताओ कब महल बना था। महल बना था 1938 में 1938 में तो गाइस वहाँ पे लिखा भी है 1938 वहाँ पे देख सकते हो एडी करके कुछ लिखा है मिश्रा भवन आप लोगों को मैं नज़दीक से चूम करके दिखाता हूँ ये देखो 1938 में बना है हमारा जब आज़ाद नहीं हुआ था मतलब जब भारत हमारा आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले यह महल बन के रेडी हो गया था भाई। और वहाँ पे ढेर सारे कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं देख सकते हो जो कि बहुत शांति से वहाँ पे अपना मतलब सो रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं आई डोंट नो मेरे को नहीं पता। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं महल की अंदर और गाइस हवा भी बहुत ही खतरनाक वाला चल रहा है और यहाँ पे दरवाजा बंद है भाई भाई अंदर से खोलना पड़ेगा कोई बोलेगा तो नहीं 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 चलो 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 इसको बंद कर दो भाई। साहब इन्हें देखो ये तो फोटो ही खिंचवाने में बिजी है भाई कैमरा मैन यहाँ नहीं कोई है चलो मैं खींच दूंगा जाओ जाओ खड़े हो जाओ 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 मैं खींच देता हूँ। गाइस अंदर जाने की तो परमिशन हम लोग को नहीं मिली बट इतना ही मैं आप लोग को दिखा पाऊंगा अभी चलते हैं सीधा घर पर। गाइस अभी मैं करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड और अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आएगा ना लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीनों करना मत भूलिएगा। और एक चीज और गाइस देखो जब मेला खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं अपनी लाइफ स्टाइल क्रिएटिविटी जो होगी मेरे साथ क्रिएटिव होंगी चीज़ें वो सब मैं क्रिएट करके आप लोग को दिखाऊंगा जब मेला खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो ब्लॉग पसंद आओ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मैं मिलता हूँ नई ब्लॉग में एक नई एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय टेक केयर राधे राधे।